आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन से कोई भी क्रिप्टो क्वाइन अपने बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रांसफर किए थे बिटगेट एक्सचेंज से यूएसडीटी बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन में। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर करेंगे बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन से यूएसडीटी बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में। अब बिटगेट वॉलेट से बिटगेट एक्सचेंज में ट्रांसफर करने का तरीका भी तकरीबन सिमिलर है, मगर यहाँ पे नेटवर्क का चक्कर होता है और नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होती है। क्योंकि जब आप बिटगेट एक्सचेंज से या किसी भी एक्सचेंज से किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो फ़ी होती है वो खुद ब खुद कवर हो जाती है आपके अमाउंट से, मगर वॉलेट में ऐसे नहीं होता। वॉलेट में आपको जिस नेटवर्क का आपके पास क्वाइन है उस नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होती है। तो अब फ़ी को आप कवर कैसे कर सकते हैं, कौन से नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा दोबारा से, आपको एड्रेस कहाँ से कॉपी करना होगा, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करें, वरना हो सकता है कि आपके फंड लॉस हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक। चलते हैं बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे यूएसडीटी अपने बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में। तो ये मैंने अपने पास बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आप यहाँ पर वॉलेट पर आ जाएँ तो देखिए मेरे पास 7.91 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, जिसमें 4.71 यूएसडीटी हमने ट्रांसफ़र किए थे बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप यही यूएसडीटी या कोई भी आपके पास क्रिप्टो कॉइन अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास एआई है या यूएसडीटी है, इसको आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटगेट एक्सचेंज पे। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है, वो बीएनबी स्मार्ट चेन का पड़ा हुआ है, एआई भी बीएनबी स्मार्ट चेन का पड़ा हुआ है। तो यानी कि जितने भी अभी मेरे पास कॉइन अवेलेबल हैं वो है बीएनबी स्मार्ट चेन के। ये कैसे पता चलेगा, एक तो यहाँ पे देखें लोगों से पता लग रहा है, ठीक है, बीएनबी का यहाँ पे लोगो बना हुआ है। दूसरा ये कि आप क्वाइन को प्रेस करें तो यहाँ पे ऊपर देखें बीएनबी चेन में ही मेरे पास 4.71 यूएसडीटी पड़े हैं। अगर ट्रॉन पे देखें तो मेरे पास नहीं है, पॉलीगॉन पे देखें तो पॉलीगॉन में भी नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ट्रॉन में पड़े हुए 4.71 यूएसडीटी या कितने भी पड़े हुए, तो ट्रॉन की फीस आपको देनी होती है टीआरएक्स क्वाइन में। ठीक है, आप गूगल भी सिंपली कर सकते हैं ट्रॉन क्वाइन ऑफ ट्रॉन, तो आपको पता लग जाएगा। अगर पॉलीगॉन पे आ जाते हैं तो पॉलीगॉन का भी आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे, इसका मैटिक होता है, आपको मैटिक में फ़ी देनी होती है। ठीक है, अभी हमारे पास बीएनबी चेन है, हमें बीएनबी की फ़ी देनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एआई पे आता हूँ तो ये देखें एआई भी मेरे पास जो पड़ा हुआ वो एआई बीएनबी चेन में पड़ा हुआ है, तो यानी कि मुझे बीएनबी की फ़ीस देनी होगी। और बीएनबी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखें थोड़े से पड़े हुए 0.19 पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से ट्रांसफ़र करके देखेंगे, इसमें पता लगेगा कि हमारी ये फ़ीस में कवर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तकरीबन बहुत ही कम अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ यूएसडीटी। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बीएनबी नहीं पड़े हुए, तो सबसे पहले जो रिकमेंडेड वे है आप ट्रांसफ़र करें बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन से। ठीक है, वहाँ से कैसे ट्रांसफ़र होगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आते हैं यूएसडीटी पे। अब यहाँ पे मुझे करना है सेंड। ठीक है, जैसे ही मैंने सेंड किया तो यहाँ पे मेरे पास यूएसडीटी स्टैंडर्ड बीएनबी चेन आ गया, और टू यहाँ पे मुझे एड्रेस डालना है अपने बिटगेट एक्सचेंज के यूएसडीटी का, जो कि BEP20 नेटवर्क का हो। सही है, अब वो कैसे निकलेगा, आ जाएं बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन की तरफ। ये बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब आ जाएं यहाँ पे आप एसेट पे, और यहाँ पे आप करें स्पॉट। स्पॉट के बाद देखें यहाँ पे है एड फंड्स। अब यहाँ पे हम अपने फंड्स को एड कर रहे हैं, मतलब आप रिसीव कर रहे हैं, तो एड फंड्स को प्रेस करें, डिपॉजिट क्रिप्टो को क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछेगा आप कौन सा क्वाइन यहाँ पे डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा यूएसडीटी, यूएसडीटी आ गया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा नेटवर्क के कौन से नेटवर्क में आप यूएसडीटी डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो बिटगेट वॉलेट पे हमारे पास यूएसडीटी पड़े हुए BEP20 नेटवर्क में, तो यहाँ पे भी हमें BEP20 नेटवर्क ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई और नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो फंड हैं वो यहाँ से लॉस हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे BEP20 नेटवर्क। और ये देखिए हमें एड्रेस मिल गया। ठीक है, इस एड्रेस को कॉपी करना है, और नीचे आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी फंड यहाँ पे रिसीव होंगे वो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, अपने स्पोर्ट के अकाउंट में, फंडिंग अकाउंट में, या USDTM के अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे करूँगा स्पोर्ट के अकाउंट में, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्टली इससे ट्रेडिंग कर सकूँ। को बंद करते हैं, एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब या उसके नीचे लिखा हुआ कि मिनिमम डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, 0.01 USDT आप डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम। डिपॉजिट कंफर्मेशन के लिए हमें 15 कंफर्मेशन चाहिए होंगी, और ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब चलते हैं बिटगेट वॉलेट की तरफ।
और इस एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हम दोबारा आगे बिटगेट वॉलेट की तरफ, यहाँ पे हम करेंगे सेंड। सेंड कौन सा कॉइन करेंगे? यूएसडीटी। अब यहाँ पे आप एड्रेस पेस्ट कर लें, ठीक है। कितने यूएसडीटी आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैक्सिमम जितने भी मेरे पास अवेलेबल है वो सारे मुझे सेंड करने हैं। उसके बाद गैस फीस आ रही है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रही है $0.06। अगर आप थोड़ा और फास्ट करना चाह रहे हैं तो $0.07। अगर उससे भी इंस्टेंट करना चाहते हैं तो $0.09। सबकी यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है कि कितने टाइम में रिसीव होगा। तो नॉर्मल यहाँ पे है 5 मिनट, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और कैंसिल करते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं कन्फर्म। कन्फर्म करेंगे तो सिक्योरिटी वेरीफिकेशन होगी, ठीक है। हो सकता है आपके ईमेल पे या मोबाइल पे कोड है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेंडिंग ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन आ गई कि फ्रॉम इस वॉलेट से जा रहा है, ट्रू इस एड्रेस पे जा रहा है। गैस फी आपको इतनी लगेगी जो कि BNB में कवर हो रही है और BNB हमारे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आपके पास BNB का एरर आ रहा है, आपके पास गैस फीस कम है, तो मेरी आप इससे पहले वाली वीडियो देखें कि बिटगेट एक्सचेंज से बिटगेट वॉलेट पे आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं क्रिप्टो कॉइन, जिसमें आपको BNB ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप गैस फी इजीली कवर कर सकेंगे। इसको मैं करता हूँ कंफर्म, थंब वेरिफिकेशन, द रिक्वेस्ट इज सेंड। अब यहाँ पे कुछ मिनट लगेंगे और हमारे USDT रिसीव हो जाएंगे बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस कर लें। यहाँ पे देखें माय वॉलेट ट्रांसफर मैसेज आ गया कि आपने 4.71 USDT सेंड किए हैं। अगर व्यू डिटेल पे प्रेस करें तो ये देखें 4.71 यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं और डन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन यहाँ से सेंड हो गई है, मगर लाजमी नहीं है कि बिटगेट एक्सचेंज पे भी रिसीव हो गई हो, क्योंकि वहाँ पे 15 मिनिमम कन्फर्मेशन चाहिए, जिसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ मिनट लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन, वहाँ पे वेरीफाई करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैं अपने एसेट पे आया तो 1 डिपॉजिट आर बीइंग कन्फर्म्ड। इसको ओपन करते हैं और ये देखें 4.71 USDT हमने रिसीव कर लिए बिटगेट वॉलेट से। कुछ ही मिनट लगे होंगे यहाँ पे और बिटगेट वॉलेट से हमने ईजिली ट्रांसफर कर लिए अपने बिटगेट के अकाउंट में, एक्सचेंज के अकाउंट में। तो भी देखें आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं पे भी आपको इशू आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई परेशानी है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को कर लें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।